उज्जैन सिंहस्थ बाईपास पर बनी और नई बनाई जा रही कॉलोनियों की बिजली की समस्या अब जल्द ही हल होने वाली है। क्षेत्र में 4 करोड़ की लागत से नया ग्रिड बनाया जा रहा है। हाटकेश्वर कॉलोनी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोगों की समस्या का निराकरण किया। क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की लागत से नया विद्युत ग्रिड बनाया जाएगा। दरअसल उज्जैन के सिंहस्थ बाईपास पर अब एक नया शहर बस रहा है। हालांकि यहां कई कॉलोनियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सब कॉलोनियों का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों से है, जिसके कारण बिजली संकट की समस्या बनी रहती है। इस समस्या से निजात के लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने 4 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत ग्रिड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। विद्युत ग्रिड बनाने के बाद यहां करीब 1 लाख लोगों को विद्युत संकट से निजात मिलेगा। ये कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री का अभिनंदन किया। मंत्री ने लोगों की समस्या जानी और तत्काल निराकरण भी दिया। तो उसके पीछे भाव यही था कि समय तो अपना रहेगा, लेकिन मैं कुछ हाथ में हूँ तो देऊँ तो मजा आए, नहीं तो खाली हाथ आने से फायदा क्या है। अगर आने के बाद खाली जवानी जमा खर्च करना हो तो 25 बार आ जाओ, लेकिन आने के साथ आना सार्थक होना चाहिए। आकर के हमारे द्वारा ऐसी कोई कठिनाई, जिन कठिनाइयों के बलबूते पर हमारे अपने जीवन में कुछ मदद मिल जाए, जो हमारी जो बाकी रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा, ये बात भी सही है कि जिस स्थान पर हम बात कर रहे हैं ये नया उज्जैन के लिए लगभग 3.5 से 4 करोड़ की लागत से जो नया ग्रिड बनने वाला है, मैं अपनी ओर से इस ग्रिड के बनने से लगभग यहाँ की 50,000 से 1 लाख की आबादी को बिजली की संकट से निजात मिलेगी। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नया क्षेत्र डेवलप हो रहा, नई उज्जैन डेवलप हो रही, इनकी मूलभूत समस्याएं, उन समस्याओं का प्रत्येक समस्या का निराकरण करेंगे। अमृत टूब के माध्यम से पीने का पानी, सीवरेज की लाइन और बिजली जो न्यूनतम आवश्यकता, वो सब पूर्ति होगी। उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उज्जैन पर ध्यान दे रहे हैं, उसी तरह से पूरे क्षेत्र में यहाँ का विधायक होने के नाते से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे कामों का लाभ आम समाज को मिले, पूरी क्षेत्रवासियों को मिले। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई।